पत्थरों का जादूगर जिसने कबाड़ और टूटी चूड़ियों से बनाया खूबसूरत वंडरलैंड 18 साल तक छिपाए रखा। मिलिए पत्थरों के जादूगर से जिसने कबाड़ और पत्थरों से इतना खूबसूरत वंडरलैंड बनाया कि जो भी देखता बस देखता रह जाता। 18 साल तक उस जगह को दुनिया से छिपाए रखा। देखिए तस्वीरों में, आज ये जगह वर्ल्ड फेमस है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय नेक चंद की। आज इनका जन्मदिन है। इन्होंने दुनिया के लिए चंडीगढ़ में एक खूबसूरत दुनिया बनाई, रॉक गार्डन। यह उनकी 18 साल की तपस्या का परिणाम है जो केवल कूड़े और कबाड़ से बनी है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नेक चंद ने रॉक गार्डन का निर्माण प्रशासन की अनुमति के बिना चोरी छिपे शुरू किया था। 1956 में गार्डन के निर्माण के लिए उन्होंने साइकिल पर पत्थर और कंधों पर पानी ढोया, शहर से कबाड़ चुन चुन कर लाते और जंगल में इकट्ठा करते। अधिकारियों को इसके बारे में 1975 में भनक लगी। तब तक 4 एकड़ में कलाकृतियां बन चुकी थीं। नियमों के खिलाफ मानते हुए इसे गिराने की तैयारी की जाने लगी तो लोग नेक चंद के समर्थन में आ गए तो लैंडस्केप एडवाइजरी कमेटी ने अनुमति दे दी। तत्कालीन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने इसे रॉक गार्डन का नाम दिया। बता दें कि चंडीगढ़ में पहली सड़क का निर्माण नेक चंद सैनी ने ही किया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रेस बिल्डिंग वाली सेक्टर 17 और 18 की डिवाइडिंग रोड बनाई। उसके बाद एक एक कर बाकी सड़कें बनी। उनकी बनाई सड़क पर 5 साल पैच वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के रही एसडीओ बहादुर सिंह बताते हैं कि नेक चंद ने रॉक गार्डन का निर्माण एक छोटी सी कुटिया से किया था। नेक चंद साइकिल पर पत्थरों की तलाश में निकलते थे। सकेतड़ी, नेपली और कसौली से वे अलग अलग साइड के पत्थर चुन कर लाते, फिर किसी को मुंह तो किसी को सुंड बना देते। शुरुआत में पहले झोपड़ी बनाई, वह गोबर से लिपाई करते। रॉक गार्डन के फेज दो में रखी गई कलाकृतियां, इन्हें नेक चंद ने खुद बनाया था। नेक चंद के सहकर्मी इंटक के पूर्व अध्यक्ष रामपाल शर्मा बताते हैं कि नेक चंद और मैं लोक निर्माण विभाग में रोड इंस्पेक्टर थे। एक बार हाउसिंग बोर्ड पर सड़क की कारपेटिंग का काम चल रहा था। उस समय वे सेक्टर 19 के चीप हाउस में रहते थे और मैं 22 में। मैं खाना खाने घर जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया और घर से मंगवा कर साथ ही खाना खिलाया। उसी दिन से हमारी दोस्ती हो गई। मैंने तो 1962 में नौकरी छोड़ दी मगर हमारी दोस्ती जारी रही। रामपाल शर्मा बताते हैं कि वे बहुत ही रचनात्मक थे। सुखना लेक पर बोटिंग शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। खाली ड्रमों पर कीकर के लठे बांध कर उन्होंने पहली बोट बना सुखना में उतार दी थी। विवाद भी हुआ और उसके बाद ही सिक्कों ने सुखना का रख रखाव शुरू किया। रॉक गार्डन के लिए हम माता मनसा देवी मंदिर के मेले और सेक्टर 15 की चूड़ियों की दुकानों से टूटी चूड़ियां लेकर आते थे। करवा चौथ के आसपास हमें खूब टूटी चूड़ियां मिल जाती थीं। नेक चंद के साथ काम कर चुके दोस्त प्यारा सिंह बताते हैं कि जहां आज रॉक गार्डन है वह जंगलात विभाग की जमीन थी और पास ही पीडब्ल्यूडी का स्टोर था। नेक चंद इस स्टोर के एक कर्मचारी थे। नेक चंद अमूमन सुबह साइकिल पर निकलते और जब लौटते तो दोनों ओर कबाड़ से भरे बैग टंगे होते। खाना साथ ही लाते थे और जब खाना नहीं लाते तो सुखनाचो के पास जामुन के पेड़ों पर चढ़कर जामुन तोड़कर खाते, रॉक गार्डन की कलाकृतियों के निर्माण में जुट जाते। राज सिंह बताते हैं कि जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा यह क्या कर रहे हो, किसी को पता लगा तो नौकरी चली जाएगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस पर वह कहते मैं तेरे कन पार दयागत हूँ, चुपचाप देखी जा। फिर मैंने पूछा बना क्या रहे हो तो कहने लगा जो बाबा कहिंदा बनाई जान दिया। भारत सरकार ने नेक चंद को उनके इस कार्य के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। 12 जून 2015 के वे अपनी खूबसूरत रचना रॉक गार्डन धरती को सौंप कर दुनिया से चले गए।